भारत के एनएसजी ग्रुप में शामिल होने को लेकर पाकिस्तान के विरोध पर अमेरिका ने नाराजगी जाहिर की है और पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि भारत का इस समूह का सदस्य बनना हथियारों की दौड़ से जुड़ा नहीं है। देखिए एक रिपोर्ट। भारत के परमाणु सपने पर पानी फेरने का ख्वाब देख रहे पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने नजरें टेढ़ी कर ली हैं। एनएसजी ग्रुप में भारत की दावेदारी का विरोध कर रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने फटकार लगाते हुए दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान संभल जाए। विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टूनर ने कहा, यह हथियारों की दौड़ के बारे में और परमाणु हथियारों के बारे में नहीं है, यह परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांतिपूर्ण सैन्य कार्यों में करने के बारे में है, इसलिए हम निश्चित तौर पर यह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इसे समझ जाएगा। दरअसल पाकिस्तान ने भारत को एनएसजी मेंबरशिप दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि इससे साउथ एशिया में न्यूक्लियर हथियारों की एक रेस शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान के विरोध का जवाब देते हुए टूनर ने कहा, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि पिछले साल जब राष्ट्रपति ओबामा भारत गए थे तब उन्होंने भारत के मिसाइल कंट्रोल प्रोग्राम पर चर्चा की थी। इसके बाद ही उन्होंने भारत को एनएसजी मेंबरशिप देने की बात कही थी, लेकिन इस बारे में ग्रुप के मेंबर वोटिंग के जरिए आखिरी फैसला लेंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत की एनएसजी में एंट्री रोकने को चीन का गेम करार दिया है। अब आपको बताते हैं कि एनएसजी ग्रुप क्या है और भारत के लिए इस ग्रुप का हिस्सा बनना क्यों जरूरी है। 1974 में भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद एनएसजी ग्रुप बनाया गया। इस ग्रुप में कुल 48 देश शामिल हैं, जिनमें रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, चीन और फ्रांस हैं। एनएसजी एक मल्टीनेशनल बॉडी है जो एटमी मटेरियल के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल रखती है। ये संस्था इस बात का भी ध्यान रखती है कि न्यूक्लियर मटेरियल का यूज वेपन्स में ना होकर सेफगार्ड में हो सके। ज्यादा न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए भारत के लिए एनएसजी ग्रुप में एंट्री जरूरी है। एनएसजी में शामिल होने के बाद भारत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी कर सकता है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के मुताबिक साल 2032 तक भारत 63 गीगावाट बिजली का उत्पादन परमाणु ऊर्जा से करेगा। साल 2050 तक देश की कुल जरूरत का 25% बिजली उत्पादन न्यूक्लियर रिएक्टर से करने का टारगेट भारत ने रखा है। मौजूदा सरकार ने 2024 तक परमाणु ऊर्जा का उत्पादन 3 गुना करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में परमाणु ऊर्जा की जरूरत पूरी करने के लिए भारत का एनएसजी ग्रुप में शामिल होना जरूरी है। वाकई भारत को अगर परमाणु सपना पूरा करना है तो उसके लिए ग्रुप में एंट्री जरूरी है और अमेरिका भी इस बात को समझता है और शायद यही कारण है कि अमेरिका ने खुले तौर पर भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। देखते रहिए डीबी लाइव।